एको एको नारायण। ये सन्यासी कौन है? अचानक क्यों आ गया? इस सन्यासी को टेढ़ा रास्ता पता नहीं है, इसलिए सीधे सीधे रास्ते से आया हूँ, यानी डायरेक्ट रास्ते से। देखो पंकजा। ए, मेरा नाम तुझे कैसे तुम्हारा पता? क्या मैं तुम्हारे पूरे खानदान का नाम बता सकता हूँ? तो फिर यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ प्यास बुझाने आया हूँ। सन्यासी? ऐसे भ्रष्ट सन्यासी? प्यास मतलब वो नहीं, भक्तों ने जो 10 रुपए दिए हैं हम तुम्हें वो देने आए हैं। हाँ, 10 लाख की जगह 10 रुपए भूल गया। 10 लाख क्या? हाँ, पैसा तुम लोगों को देकर। हाँ हाँ, आपकी बड़ी बेटी को देकर। एको नारायण, एक एको नारायण। अब सन्यास ले लिया तो क्या हो गया? तो क्या खाना खाना छोड़ देंगे क्या? इन सब मामलों में हम लोग बहुत आगे रहते हैं। आप सब लोग टीवी नहीं देखते हैं क्या? बिल्कुल सही कहा। ये झोली मैं यहीं पर रख देता हूँ, तुम बाहर बैठकर शांति से भजन करो। मैं सोचता हूँ इन्हें भी थोड़ा सेवा का मौका दें। सुनना, स्वामी जी को ऊपर कमरे में लेकर जाओ। लेकिन इसे देखकर तो मुझे उल्टी आ रही है। देखते ही, अरे वाह। वो सब छोड़ो, हमें सिर्फ पैसे चाहिए, उसके अलावा कुछ मत सोचना। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, वैरागियों के लिए भी कितनी जगह है। आपको चाहिए तो मैं दारू भी मंगवा सकती हूँ। तुम क्यों मंगवाओगी, मैं खुद मंगवा देता हूँ। ओ चवन्निकम, इस झोली से 500 रुपए लो और क्वार्टर लेकर आ जाओ। तो फिर हम लोग अंदर चले। तुमने जो पकड़ा है वो मेरा डंडा है। और ये कमंडल किस लिए? मौका मिल जाए तो ये डंडा मारने के काम आता है, और ये धोने के। मैं बैठने नहीं आया हूँ। इसको मत छू, नहीं तो निकल जाएगी। क्यों? जितनी बड़ी दाढ़ी सन्यासी की उतनी ही इज्जत। तुम्हें कोई से प्रॉब्लम है क्या? नहीं। क्या हुआ? ये अचानक क्या हो गया है आपको? इस कमरे से कोई आवाज आ रही है। आवाज? कैसी आवाज? धन लक्ष्मी की आवाज है। लक्ष्मी? हाँ, इस घर में धन लक्ष्मी का आशीर्वाद है। तुम्हें पूजा करने की जरूरत है, तुम वो करोगी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा? सच बोल रहे ना? मैं झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ। सचमुच? बिल्कुल, वो हमारे जैसे सन्यासियों को ही पता चलता है। वो देखो, जमीन के नीचे से सारा धन ऊपर आ रहा है, बीच में कुछ रुकावट आ गई है, नीचे जा रहा है सारा धन। वापस जा रहा है? लेकिन अभी कहाँ है? आधे पर आकर अटक गया है वो, पूजा करने से सारा धन फिर से ऊपर आ जाएगा। हम लोग अपना काम करते हैं, चलो चलो। एक मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, अभी आई हूँ। अच्छा। आप तब तक बैठकर सेब खाइए, मैं जरा आती हूँ। ड्रेस चेंज करने गई है शायद, नाइटी पहन कर आएगी शायद। मैडम आंखें खोलिए। मैडम, मैडम, मैडम क्या हुआ? शिट,